नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सुबह के 7 बजे हुए हैं और तारीख है 28 फरवरी 2021। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे, यह आपका काम है और हम लोगों को एक साथ बैठ के सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा है, हाल ही में किसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि CTO के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस रूसी सुपर मॉडल को नई यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो गुडविल एम्बेसडर है ये यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है ये उसके अधीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल कब मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय टीम के हिस्सा रहे किन दो क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको NSO कहते हैं ने साल 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, हाल ही में भारत की अगले साल की जो इकोनॉमी है उसके बारे में दोस्तों S&P एंड जो क्रिसिल है जो S&P की इकाई है उसने भी अनुमान लगाए थे। हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। हाल ही में ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग दोस्तों ये FATF बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि पेरिस बेस्ड है ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए और विदेशी लेन देन की व्यवस्था को ट्रांसैक्शन को गति प्रदान करने के लिए JP Morgan के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क जो है उसके डाटा से लिंक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले ऑनलाइन मेले द इंडिया टॉय फेयर, इसके बारे में दोस्तों उन्होंने पहले भी अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था जब इसकी घोषणा की गई थी, तो इंडिया का पहला द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में साल 2021 के ब्रिक्स समिट जो कि आपका ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका का एक संगठन है के लिए कौन सा देश भारत की मेजबानी को समर्थन दे रहा है। दोस्तों ये है आज के आपके क्वेश्चंस और चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, मानचित्र अपने साथ रखेंगे क्योंकि मानचित्र से ही आप चीजों को, जैसे मैं आपको ब्रिक्स अगर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मानचित्र पर ध्यान देना होगा, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे और हम लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर क्या है, हाल ही में किसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, हाल ही में जो शरद कोकलानी है, शरद कोकलानी को आपके क्या किया गया है दोस्तों, इसके नए चीफ और नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में शरद कोकलानी को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसको पहले दोस्तों हम लोग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसको पहले हम लोग केवल AU फाइनेंसर कहते थे। AU फाइनेंसर की स्थापना सन 1996 में हुई थी। AU फाइनेंसर इसको पहले केवल इस नाम से जाना जाता था। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये है क्या, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है या इसको हम बोल सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको कि 1996 में AU फाइनेंसर के नाम से स्थापित किया गया था। 1996 में AU फाइनेंसर की स्थापना हुई, उसके बाद में दोस्तों 2017 में 2017 में इसका नाम रखा गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बैंकिंग सिस्टम को देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, जब इसको दोस्तों AU फाइनेंसर से AU फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया तो अब ये RBI के नियमों के अधीन होकर काम करते हैं। और चूंकि अभी हाल ही में देखा गया कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पिछले 10 सालों में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और छोटे निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो बैंकिंग सेवा में हैं या बैंकिंग सेवा में नहीं हैं उनके लिए बहुत सारी वित्तीय मदद करने का काम किया है, इसीलिए दोस्तों इसको AU फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से इसको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया। 2017 में जब इसको फाइनेंस बैंक बनाया गया तो ये RBI के नियमों के अधीन हो गई। अब ये RBI के अधिसूचित लिस्ट में भी ये आते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक
जो 2017 में एयू फाइनेंसर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बनी, उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शरद कोकला ने, ठीक है, और इसी को इन्हीं को ही चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी बनाया गया। दोस्तों अगर शरद कोकलानी की हम लोग बात करें तो इससे पहले ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में कार्य कर चुके हैं। आपका जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, ये आपकी चेन्नई में स्थापित है, जो कि 2007 में स्थापित की गई थी। तो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। और ये बैंक दोस्तों बिल्कुल सेम है जैसे आपके एयू फाइनेंस बैंक है, वैसे ही आपकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि सन 2007 में स्थापित हुई थी और ये दोस्तों चेन्नई में स्थापित है। ये इसके भी चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं, सीटीओ के रूप में कार्य कर चुके हैं, और अब यही आपके शरद कोकलानी एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या बने हैं, सीटीओ नियुक्त किए हैं, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे आपका एयू फाइनेंसर हो या बाद में ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए हो, या आपके ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो कि आपकी आरबीआई के नियमों के अधिसूचित होकर चलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाल ही में पिछले दशक में इन्होंने जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प की है, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इनको एयू फाइनेंसर से एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक घोषित कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपके शरद कोकलानी, जो पहले इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कार्य कर चुके हैं और अब ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो चेन्नई आधारित है, वैसे ही दोस्तों आपकी एयू फाइनेंशियल जो है ये आपके जयपुर आधारित है, ठीक है, इनका जयपुर में इनका हेडक्वार्टर है। जयपुर की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जयपुर जो अभी हाल ही में जयपुर और ओरछा भारत के जो आपके 39वें और 40वें आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुए हैं, तो अभी ये। चलिए दोस्तों अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस रूसी सुपर मॉडल को नई यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में जो वोडियानोवा है, जो रूसी वोडियानोवा है, जो कि रूसी सुपर मॉडल है, रूसी सुपर मॉडल को क्या किया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, क्या इनको यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है नतालिया वोडियानोवा, जो कि एक दोस्तों एक सोशल वर्कर भी है और एक एनजीओ के तहत, जो कि वोडियानोवा एनजीओ भी है, तो वोडियानोवा एनजीओ के तहत ये सोशल वर्कर के रूप में काम करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर जिसको बनाया जाता है, जैसे कि नतालिया वोडियानोवा अभी आपकी यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर बन गई है, तो अब ये दोस्तों क्या करेंगे, ये यूनाइटेड नेशन FPA जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, या दोस्तों हम इसको यूनाइटेड नेशन UNPFB कह सकते हैं, ये आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अब ये UNFPA के लिए क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग वोडियानोवा की बात करें तो हम आपको बता दें, ये एक सोशल वर्कर है और इन्होंने अभी तक के अपने ऋषि अपने कैरियर में इन्होंने महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो यौन उत्पीड़न के विरोध में उसके संबंध में जो इन्होंने सोशल वर्क किए हैं, ये उसके लिए ही जानी गई है और उसी के लिए दोस्तों इनको क्या किया गया है, उसी के लिए इनको यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आपकी यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर बन गई है और ये सोशल वर्कर के तहत अब ये क्या करेंगी, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इसके लिए ये प्रचार कार्य करेंगी, ठीक है, पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका नतालिया वोडियानोवा। आपको मैं UNFPA के बारे में बता दूं, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज जो है दोस्तों, इसका गठन 1969 में न्यूयॉर्क में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये UNO की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत है जिसको हम UNFPA कहते हैं, और इसकी जो दोस्तों चीफ है, नतालिया
नतालिया कीनम करके इसकी चीफ है, ध्यान रखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये नतालिया वाडियानोवा है और वो नतालिया कीनम है, नतालिया कीनम वो इसकी चीफ है, ठीक है, एक ही नाम है लेकिन इनके सरनेम अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी जो सुपर मॉडल जो बनी है अभी आपकी वाडियानोवा, वाडियानोवा अभी केवल उसके ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब कि उसकी गुडविल एम्बेसडर के रूप में बनाई गई है, हेड कौन है, नतालिया कीनम है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर वर्ल्ड एनजीओ डे की हम लोग बात करेंगे तो ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 27 फरवरी को आपका वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। जैसे हम अभी एनजीओ की बात भी कर रहे थे, एनजीओ क्या होता है दोस्तों, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सोशल सोशल वर्कर्स के रूप में या सोशल तरीके से काम करती है। जिक्री एनजीओ का मतलब है ये गवर्नमेंट की तरफ से वित्त पोषित नहीं होते, गवर्नमेंट की तरफ से वित्त पोषित ना होने का मतलब है कि इनको किसी भी तरीके की गवर्नमेंट हेल्प डायरेक्टली या पर मंथली या ईयरली इनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनजीओ डे दोस्तों 27 फरवरी को मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है, 2014 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों यूरोपियन यूनियन, कई बार आप लोगों को हमने बताया भी है, यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसमें पहले भी अभी तक 28 देश थे, अब इसमें कितने देश हो गए, 27 देश हो गए, ठीक है। और आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इस डे को क्या किया था, एनजीओ डे को डिक्लेयर किया था। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी हाल ही में तो 27 देश ही हैं, लेकिन इन 27 में से भी केवल 12 ही देश, नीदरलैंड और स्वीडन और जर्मनी जैसे देश हैं, फिनलैंड जैसे देश हैं, जो दोस्तों यूरोपियन यूनियन के सदस्य होने के नाते एनजीओ डे को मनाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों ये जो एनजीओ डे है ये 12 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इसको हर साल नहीं मनाता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो 12 कंट्रियां हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो है ये लोग इसको एनजीओ डे को मनाया करते हैं, ठीक है। तो ये 27 फरवरी के दिन दोस्तों मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि एनजीओ के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को सोशल वर्क के रूप में, या इनका जो मोटो है, इंसान ही इंसानों के लिए, तो ऐसा इन्होंने अपना मोटो बना रखा है, तो इसके लिए इनका उद्देश्य होता है कि एनजीओ में लोगों को सक्रियता में, लोगों का पार्टिसिपेशन कराना, लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ठीक है। तो 2014 से दोस्तों इसमें 12 देश हैं जो कि आपके यूरोपियन यूनियन के हैं, जो इस देश को, इस दिन को घोषित करते हैं। और ये कौन से दिन को मनाया जाता है दोस्तों, 27 फरवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में भारतीय टीम के हिस्सा रहे किन दो क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वालों में आपके आर विनय कुमार, जो कि पिछले 25 वर्षों से रणजी वगैरह खेल रहे हैं, तो आर विनय कुमार और दोस्तों यूसुफ पठान, इन दोनों ने ही क्या किया है, एक साथ क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन लोगों ने क्या कर दिया है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन लोगों ने संन्यास ले लिया। तो दोस्तों यहां पर आंसर हमारा दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। आर विनय कुमार ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो यूसुफ पठान है, जो कि आपके इरफान पठान के भाई हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर देखें तो इन्होंने दोस्तों 2007 का जो T20 ICC वर्ल्ड कप पहला हुआ था, जिसमें इंडिया जीती थी, पाकिस्तान को हराया था, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। और दोस्तों 2011 में जो ICC वर्ल्ड कप था, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें भी ये हिस्सा रहे थे। तो यूसुफ पठान और विनय कुमार ने एक साथ सभी फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया, संन्यास ले लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा यूसुफ पठान के बारे में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ICC T20 2007 का भी ये हिस्सा रहे हैं, ICC इंटरनेशनल ODI के 2011 के वर्ल्ड कप का भी ये हिस्सा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का ही हिस्सा थे दोस्तों, 2007 का भी और 2011 का भी। तो यूसुफ पठान, और इसके साथ यूसुफ पठान 57 ODI भी खेल चुके हैं, 57 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी ये खेल चुके हैं। भारत के अरफन मौला खिलाड़ी के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में यूसुफ पठान जाने गए हैं, जो कि इरफान पठान के सगे भाई थे, ठीक है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हाल ही में NSO, जिसको दोस्तों हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो हाल ही में NSO ने साल 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी जो NSO है, जिसको हम लोग दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये दोस्तों 2005 में बनाया गया था, ठीक है,
2005 में दिल्ली में आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कभी आपने नाम सुना होगा सीएसओ, वैसे ही सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ध्यान रखिए वो दोस्तों पहले कैलकाटा बेस्ड था, अब वो भी दिल्ली बेस्ड है। तो एनएसओ ने अभी पूर्व अनुमान लगाए हैं और इनके जो पूर्व अनुमान है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, भारत की जीडीपी के लिए, जिसको दोस्तों हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूं दोस्तों कि जीडीपी को हम नेशनल इनकम से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। नेशनल इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी एक बात ध्यान रखिएगा, जीडीपी पर डिपेंड नहीं करता, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता कि नेशनल इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्यों? हो सकता है दोस्तों जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम उस हिसाब से ना बढ़े, हो सकता है जीडीपी उतनी ना बढ़े लेकिन नेशनल इनकम बढ़े। ध्यान रखिएगा मैंने पहले भी आपको बताया था जीडीपी में दोस्तों दोनों ही हिस्से होते हैं, यानी जीडीपी में वो सारा प्रोडक्शन और वो सारी सर्विसेज होती है दोस्तों जो देशवासी भी करता है और विदेशी भी करता है। तो आपके देश के अंदर देशवासी विदेशी जो भी है जितना भी प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहे हैं वो सारी की सारी जीडीपी में आती है। तो हो सकता है जीडीपी में विदेशियों का प्रतिशत ज्यादा हो तो नेशनल इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो जो करेंगे वो उसका पैसा कमाकर अपने देश में ले जाएंगे, ठीक है? तो उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, अभी एनएसओ ने जो उम्मीद लगाई है दोस्तों कि भारत की जो जीडीपी 2020-21 में रहने वाली है, 2020-21 में जो ये रहने वाली है वो दोस्तों -8% तक जाएगी, जो अभी तो बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई, -23% तक जीडीपी चली गई थी कोविड की वजह से। तो -8% के अनुमान लगाए गए हैं 2020-21 के लिए, ठीक है, क्लियर है। अभी हाल ही में देखा जाए तो 2019-20 में भी इन्होंने अनुमान लगाया था, मतलब जो 2019-20 का लास्ट समय था उसमें भी एनएसओ ने अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था निगेटिव, मतलब भारत की जो जीडीपी है वो निगेटिव जाने वाली है, वो निगेटिव -7.7% तक रहेगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों -8% का अनुमान लगाया। अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों S&P, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एंड पुअर कहते हैं, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत के जीडीपी के बारे में नहीं कहा था, इन्होंने भारत की नेशनल इनकम के बारे में कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बोला था कि अगला वर्ष 2021 जो अगला वर्ष है, अगले वर्ष के अंत तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 11% की दर से क्या होने वाली, बढ़ने वाली, क्योंकि जैसे ही कोविड के सारे रेस्ट्रिक्शन हटेंगे दुनिया के बहुत सारे देश भारत में निवेश करने के लिए आएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अपना ग्रीन कार्ड योजना शुरू कर दी है, ग्रीन कार्ड योजना को दोबारा से लागू कर दिया जो बाइडेन सरकार ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि 60% जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के लिए है, जो अमेरिका की गवर्नमेंट को, अमेरिका के सिस्टम को चला रहे हैं। तो दोस्तों अगर वो ग्रीन कार्ड नहीं लागू करेंगे, नागरिकता नहीं देंगे, तो अमेरिका में इतनी काबिलियत नहीं है कि वहां के लोकलाइट या वहां के नेशनैलिटीज क्या कर सके, देश को उस गति से भगा सके। बहुत सारे ध्यान रखिएगा 65% से 67% इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स इंजीनियर्स आपके अमेरिका में नागरिकता लेके कार्य करते हैं, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में स्थापित हुआ था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये ही आगे चल के राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री का निधन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में ओशिनिया क्षेत्र में आने वाला एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। ध्यान रखिए दोस्तों अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में अगर ये भूमध्य रेखा है तो इक्वेटर के जस्ट नीचे एक आइलैंड आता है, ऐसे कटा हुआ आइलैंड है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, पपुआ न्यू गिनी। और अभी हाल ही में 17 साल सबसे ज्यादा शासन करने वाले जो वहां के पहले प्रधानमंत्री है दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री का भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है दोस्तों, इनका नाम है माइकल। जो माइकल जी है ध्यान रखिएगा पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री रहे, तो इनका अभी हाल ही में फर्स्ट पीएम ऑफ पपुआ न्यू गिनी इनके अभी हाल ही में क्या हुई है दोस्तों, डेथ हुई है। जैसे कि हमारे भारत में राष्ट्रपिता कहा गया था गांधी जी को, लेकिन लिखित उपाधि नहीं दी गई है। ध्यान रखिएगा जो आपके पपुआ न्यू गिनी के पहले प्राइम मिनिस्टर है माइकल को वहां पर फादर ऑफ द नेशन घोषित किया गया था, ठीक है, तो ये वहां पर फादर ऑफ द नेशन के रूप से भी जाने जाते थे, फादर ऑफ द नेशन के रूप में भी जाने जाते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो फादर ऑफ नेशन के रूप में क्यों जाने गए इनके बारे में आपको बता दूं, असल में 1975 में पैसिफिक ओशन के यानी कि जो इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के कई सारे आइलैंड ने विद्रोह किया था 1975 में कि ऑस्ट्रेलिया से हम अलग होना चाहते हैं। तो इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिबरेशन के लिए 1975 में पैसिफिक आइलैंड्स, प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं पैसिफिक आइलैंड्स का नेतृत्व किया था और किससे अलग होने के लिए,
ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही ये आइलैंड आता है, तो ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया था। तो उसके मेन जो नेता थे वो आपके माइकल ही थे, तो 1975 में इसकी वजह से इनको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में अब कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये 2019 में आपके नए प्रधानमंत्री जो बने थे पापुआ न्यू गिनी के दोस्तों, वो है जेम्स मरापे। ठीक है, जेम्स मरापे और पापुआ न्यू गिनी के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे आपके 2019 में। ठीक है, क्लियर है सभी का, इसको ध्यान रखिएगा। माइकल ने जब विद्रोह किया था ऑस्ट्रेलिया को उसे अलग होने के लिए, तो 1975 में ही ये क्या बन गए थे, 1975 में ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री बने। और ध्यान रखिएगा ये बने रहे कब तक, ये बने रहे 2011 तक। ठीक है, तो 2011 तक ये आपके क्या बने रहे दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इस दौरान चार बार वहां के क्या बने, प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो आपको मैं बता दूं ये कौन से ओशियन में आता है, पैसिफिक ओशियन में आता है। और यहां पर एक शेड्यूल ट्राइब बहुत फेमस है जिसका नाम ही है दोस्तों पपुआंस। पपुआंस नाम की शेड्यूल ट्राइब के नाम पर ही नाम पड़ा है, किसका, पापुआ न्यू गिनी को। और उसके बाद मैं आपको बताऊं पपुआ जो न्यू गिनी है दोस्तों, यहां पर एक पक्षी पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैसोवरी। ध्यान रखिएगा कैसोवरी पक्षी के बारे में कहानियां बहुत फेमस है कि कैसोवरी दुनिया का सबसे हिंसक पक्षी है। ठीक है, कैसोवरी दुनिया का सबसे हिंसक पक्षी है, जो किसी को भी देखेगा तो उस पर अटैक जरूर करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अकेला रहता है जंगलों में और जब किसी को देखता है तो उस पर अटैक जरूर करता है। ठीक है, तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 में ग्रीन लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान पे हमेशा से इल्जाम रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट या टेररिज्म या वहां की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो आपकी वहां पर ISI है, तो ध्यान रखिए ISI इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने दुनिया भर के सारे टेररिस्टों को शरण दे रखी है और इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी किया टेररिज्म की। तो उसके लिए आपका FATF ने पाकिस्तान को 2018 में दोस्तों किस लिस्ट में डाल के रखा था, ग्रीन लिस्ट में डाल के रखा था। ठीक है, तो 2000 FATF, FATF दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फ्रांस के पेरिस बेस्ड एक टास्क फोर्स है जिसने की पाकिस्तान पर कई बार इस प्रकार का दबाव डाला है कि हमारे जितने भी 27 एजेंडे हैं, उस 27 एजेंडे को, टेररिज्म को खत्म करने के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये 1989 में जब स्थापित हुआ तो इसने अपना पहला ही जो एजेंडा बनाया था वो यही था कि पाकिस्तान टेररिज्म को क्या करे, खत्म करे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सन 2018 में, 2018 में इन लोगों ने पाकिस्तान को, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था कि आप जब तक हमारे 27 एजेंडे नहीं मानेंगे तब तक हम आपको ग्रे लिस्ट में डालकर रखेंगे और आपको किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय हेल्प आपको नहीं मिलेगी, जो कि आपको यूरोप से आप लेने की कोशिश करते हैं। यही कारण है दोस्तों, कहीं अगर हम लोग देखें तो आपको मैं बता दूं, चाइना बहुत फाइनेंशियली हेल्प करता है पाकिस्तान की, अगर चाइना फाइनेंशियली हेल्प ना करे तो शायद पाकिस्तान को यूरोप से कोई भी हेल्प ना मिले। ठीक है, तो चाइना ही इसकी एक ऐसी हेल्प करता है और चाइना इस समय दुनिया की बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है। आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन से चाहे या ना चाहे सबसे ज्यादा व्यापार इस समय चाइना का है, इंडिया से चाहे या ना चाहे जितने भी बवाल हो रहे हैं, जितने भी विवाद हो रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया का चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और उसके बाद से लेकर अभी दोस्तों 2021 में ये प्रतिबंध खत्म होने वाला था, लेकिन जून 2021 तक इस लिस्ट को बढ़ा दिया गया। तो इस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल रहेगा जब तक पाकिस्तान इनके एजेंडे को पूरा नहीं करता, पाकिस्तान शामिल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान किया ये ग्रे लिस्ट क्या है, ये दुनिया के वो देश की लिस्ट है जो देश टेररिज्म को दोस्तों फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। ठीक है, कारण मैंने आपको बताई दिया, कारण टेररिज्म को लगभग 1373 ऐसे इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं जिनकी एक लिस्ट बनाई गई थी FATF द्वारा और वो पाकिस्तान को दी गई थी कि इनको किसी प्रकार की आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है और यही कारण है कि टेररिज्म को
टूरिज्म को फाइनेंशियल हेल्प देना हेल्प बंद की जाए। ठीक है, तो ये आपका है दोस्तों, क्या ये है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने 1989 में स्थापित होते ही पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए थे, 2018 में इसको ग्रे लिस्ट में डाला था और अभी भी ये ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी अपने फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके लिए ये जेपी मॉर्गन के साथ क्या हो गया, टाई अप हो गया। तो जेपी मॉर्गन के साथ टाई अप होने से ब्लॉकचेन पेमेंट जो नेटवर्क सिस्टम है उसके डाटा लिंक में किसको भी शामिल कर लिया गया है, SBI को भी शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका जेपी मॉर्गन जिसके संस्थापक खुद जेपी मॉर्गन ही थे, जेपी मॉर्गन आपके के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से SBI ने क्या कर लिया है, करार। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, इस तरीके से SBI जेपी मॉर्गन का जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ब्लॉकचेन नेटवर्क लिंक में SBI भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से SBI जब इसमें शामिल हुआ है, तो अब यहां पर जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए और अपने फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को गति देने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम्स को सुधारना और इसके साथ ट्रांजैक्शंस को गति देना, को गति प्रदान करना। तो इस तरीके से दोस्तों SBI किसके साथ टाई अप हो गया है, जेपी मॉर्गन के साथ दोस्तों क्या हो गया है, टाई अप हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग जेपी मॉर्गन की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जेपी मॉर्गन के जो संस्थापक हैं वो आपके जेपी मॉर्गन ही थे, न्यूयॉर्क बेस्ड ये आपका एक ब्लॉकचेन सिस्टम है जो कि आपके जेपी मॉर्गन का है। तो जेपी मॉर्गन के जो चीफ है अभी जैमी डिमोन है, ठीक है, जैमी डिमोन न्यूयॉर्क बेस्ड जेपी मॉर्गन के जो चीफ है अभी दोस्तों कौन है, जैमी डिमोन है जो हेड है, जैमी डिमोन, और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, संस्थापक खुद कौन है, जेपी मॉर्गन ही है। ठीक है, SBI की बात करेंगे दोस्तों, तो SBI के बारे में बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 जुलाई 1955 को SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंपीरियल बैंक से, और इंपीरियल बैंक दोस्तों बनी थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर 1921 में। ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले ऑनलाइन मेले द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये आपका कल ही आपका मोदी जी ने जो वर्चुअली, मोदी जी की मन की बात में उसमें उन्होंने वर्चुअली इसका उद्घाटन भी किया था, तो अभी हाल ही में किसने किया दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये जो आपका 27 फरवरी को क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और ये दोस्तों टोटल कब तक चलेगा, 2 मार्च तक चलेगा ये पूरा जो मेला है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये भारत में खिलौने के मेले के संबंध में पहला ऑनलाइन मेला है, फर्स्ट ऑनलाइन मेला है जो वर्चुअली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस ऑनलाइन मेले का नाम क्या है, द इंडिया टॉय फेयर। ये घोषणा कुछ दिन पहले ही कपड़ा मंत्री और महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने की थी कि अभी हाल ही में द इंडिया टॉय फेयर होगा, तो ये पहला ही ऑनलाइन टॉय फेयर है दोस्तों। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, यहां पर मेन उद्देश्य है, आपने देखा होगा अभी भारत में 2020 में जब COVID-19 का समय आया तो आत्मनिर्भर के बारे में बात बोला गया कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत ही द इंडिया टॉय फेयर आपका शुरू किया गया है, जिसमें उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है उपभोक्ता और आपका निर्माता दोनों को एक साथ एक मंच पे लाना। तो यहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले एक साथ एक मंच में आएंगे। ठीक है, तो आपके उपभोक्ता और निर्माता एक साथ एक मंच पे ला जाएंगे। अभी हाल ही में द इंडिया टॉय फेयर से पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी देखा होगा आपने दिल्ली हार्ट किया गया था, दिल्ली हार्ट की एक सिस्टम शुरू किया गया जो आपका जयपुर हार्ट, यूपी हार्ट भी हो चुका है। ये दोस्तों क्या है, ये छोटे छोटे ऐसे बाजार स्थापित की जा रही है सरकार द्वारा, जिसमें शिल्पकार और जो कारीगर है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं
उनको एक मंच पे लाया जा रहा है और इनके माध्यम से दोस्तों आपने ये भी सुना होगा ई दिल्ली हार्ट या ई जो हार्ट सिस्टम है वो आपका डिजिटली भी शुरू किया जा रहा है। देश से आगे विदेश के भी जो भारतीय मूल के लोग हैं वो लोग वेबसाइट के माध्यम से जो हैंडीक्राफ्ट के सामान है या जो शिल्पकारों के सामान है वो आपके हार्ट के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने देखा होगा जो अभी 27 फरवरी 2021 को जो आपका ये वर्चुअल मेला शुरू हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसकी भी अपनी वेबसाइट है e-theindiatoyfair.in। तो इस तरीके की इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन मेला भी चल रहा है और लोग जितने भी शॉपिंग करेंगे वो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ही करेंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक जगह पर ये मेला नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये 27 फरवरी से शुरू है और फर्स्ट ऑनलाइन मेला है जो कि 2 मार्च को क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, मेले का मकसद क्या है दोस्तों, उपभोक्ता और निर्माता को दोनों को एक साथ एक मंच पर एक वेबसाइट पर लेके आना ताकि उसी वेबसाइट से कोई भी उपभोक्ता खरीद सके और ग्राहक वहां पर आपका जो निर्माता है वो बेच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में साल 2021 के ब्रिक्स समिट के लिए कौन सा देश भारत की मेजबानी को समर्थन दे रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अभी शी जिनपिंग ने पता नहीं कैसे चाइना के जो शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में भारत को होस्टिंग करने के लिए भारत को बढ़ावा दिया है कि हम चाहते हैं कि भारत से हमारे रिश्ते क्या हो अच्छे। तो शी जिनपिंग ने भारत को समर्थन दिया है कि भारत इस बार 2021 में दिल्ली में इसका सम्मेलन होने जा रहा है। तो दिल्ली में 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन होगा। ठीक है, क्लियर है। और भारत इस बार अध्यक्ष फिर से बना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ था। इसकी पहली बैठक ब्रिक के रूप में हुई थी और पहली बैठक हुई थी दोस्तों येकाटेरिनबर्ग में। दोस्तों ये येकाटेरिनबर्ग क्या है, येकाटेरिनबर्ग जो कि आपका रशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, वहां पर इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, ब्रिक के बाद दोस्तों 2010 में ब्रिक्स आया था यानी कि साउथ अफ्रीका में संगठन में क्या हुआ, शामिल हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा 2014 में इलोगा ब्राजील में एक फोर्टालेजा सम्मेलन हुआ था और फोर्टालेजा सम्मेलन में दोस्तों 2014 में यहां पर एक एनडीबी का गठन भी हुआ था। एनडीबी क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसको दोस्तों हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जिसका की मुख्यालय जो है दोस्तों शंघाई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये आपके चाइना में ही इसका मुख्यालय बना है। वैसे आपके ब्रिक्स सारे देश ही से क्या है, सदस्य। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की आपकी करंट अफेयर्स है, आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर से सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।